चलिए वेडिंग कर लिए आगे हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी, हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी। तो चलिए समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या। बहुत ही आसान सा चीज है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, समझो। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी बेकरल। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी बेकरल, ठीक है ना? और इनका काम था, ठीक है, डेफिनेट है साइंटिस्ट था, डेफिनेट है बहुत सारा चीज का रिसर्च वगैरह करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, है ना? Yes. तो हुआ क्या, एक दिन का बात है, कुछ आदमी कहीं पर खुदाई कर रहा था, ठीक है, और खुदाई करते करते उसको एक अलग तरह का एलिमेंट मिला, है ना, कुछ नया एलिमेंट मिला जिसको पहचान नहीं पा रहा था कि है ये क्या, है ना? तो क्या किया गया, हेनरी बेकरल को बुलाया गया। किसको बुलाया? हेनरी बेकरल को बुलाया गया और इनसे पूछा गया कि सर देखिए तो आप पहचान पाइएगा ये क्या है, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी नहीं पहचान पाए, लेकिन हाँ ये साइंटिस्ट थे, तो ये क्या किए, उसको ले आए और बोले कि हम आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, रिसर्च करके बताते हैं आखिर ये क्या है। तो वो अपने लैब में ला करके रखे उस एलिमेंट को, है ना, जैसे मान लो एक एलिमेंट मिला, वो अपने लैब में ला के क्या किए रखे, और वो सोचे ही थे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक इनको कुछ काम लग गया, इनके साथ एक शादी था, ठीक है, किसके शादी था, अरे कुछ काम लगा हुआ, ठीक, बेचारा चला गया उधर। अब कुछ दिन के बाद जब आता है, तीन चार दिन के बाद, तो वो क्या देखता है, उस लैब में जितना भी पर्दा वगैरह टंगा है सब पर्दा में बारीक बारीक छेद हो गया है, जितना भी बुक था वो बुक सारा उसमें भी क्या हो गया, बारीक बारीक छेद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया सब चीज। तो उसको समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, नहीं हुआ उसको समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि इनका काम था इस पर एक्सपेरिमेंट करना, इसके बारे में पता करना, तो वो इसको उठाए और दूसरे लैब में लेके चले गए। तो उस लैब का भी हालत क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद उसका भी वही हालत हो गया। तो उसको समझ में आ गया कि इतना दिन से कुछ नहीं हो रहा था, पहले लाइफ मेरा बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से ये मेरी जिंदगी में आई है लाइफ बर्बाद है ना। उसको समझ में आ गया कि यही है, ठीक है, यही है समस्या का जड़, ये जब से आई तब से हमारा जिंदगी क्या हो गया, बर्बाद। तो बोलो इमेजिन करो इसके लाइफ में कोई आ गई और इसका जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है, तो बोलो क्या उसको रखेगा या जहां से लाया था वहीं पहुंचा देगा, वहीं पहुंचा देगा, ठीक है, अब रख के क्या फायदा। तो ये बेचारा हेनरी बेकरल इसको फिर ले जाके वहीं उसको जहां से लाया था उसको पहुंचा दिया और बोला ही, ठीक है, ये अपना प्रेस रिलीज में बताया कि मेरे जिंदगी में कोई ऐसी आई थी जिसको पता तो नहीं उससे क्या हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा चीज जरूर निकल रहा होगा जिससे कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया था, ठीक है, और इसी को नाम दिया गया उन्होंने क्या, रेडियो। यानी उसका कहना था कि हमको एक एलिमेंट मिला, उस एलिमेंट से अपने आप रेडिएशन निकलता है, ठीक है, अपने आप, हमको कुछ करना नहीं पड़ा, खुद ब खुद क्या हुआ, उससे रेडिएशन इमिट होता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है? यूरेनियम ही था, उसको छोड़ो, एलिमेंट छोड़ो, पहले ये बताओ क्या हुआ, सुनवा। तो उसको समझ में आ गया कैसा कुछ एलिमेंट होता है जिससे क्या होता है, अपने आप क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है, और इसी प्रोसेस को क्या दिया इन्होंने नाम, रेडियो। तो समझ चुके होंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो याद रखिए, किसी हैवी एलिमेंट से, हैवी एलिमेंट सबसे नहीं निकलता है, किसी हैवी एलिमेंट के न्यूक्लियस से जो रेडिएशन का इमिशन होता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और इसको खोजा किसने था, हेनरी बेकरल। क्लियर है? तो चलिए लिखिए, इतना खतरनाक होता है, छेद छोड़ो क्या, हम क्या हो जाएगा, आदमी मर जाता है इससे। वो कैसे नहीं मरे, वो कैसे नहीं मरे, वो इसके संपर्क में ज्यादा दिन रहेगा, हाँ तो इसके साली बचा ली, है ना, इसके साली बचा ली,
तो इसीलिए शादी भी हम चल जाना शादी वाले को, अगर तुम भी गया हो गलत जगह हम बैठ गया, इसको जहाँ जिसको बैठना तो बैठने दिया, यहाँ जो बैठेगा उसका होगा एग्जाम्पल लिया जाएगा। अच्छा कोई नहीं सर, नहीं उसको लेकिन द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन through the nucleus of heavy element is known as radioactivity। उस बेचारी को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कोई तकलीफ जरा सा भी? तो समझ चुके होंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, बोलो कोई तकलीफ जरा सा भी? तो ये था आपका रेडियो एक्टिविटी। और याद रखिएगा वैसा एलिमेंट जिससे रेडियो एक्टिविटी शो कर सर जो रेडियो एक्टिविटी शो करता उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिंपल सर, जो रेडियोएक्टिविटी शो करेगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, दैट एलिमेंट विच शोज द रेडियोएक्टिविटी कॉमा इज नोन एज radioactive element। हो गया? नोट डाल के लिखो। याद रखना रेडियोएक्टिविटी को खोजा किसने था? तो लिखो नोट डाल के, रेडियोएक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरल। हो गया? तो समझ चुके होंगे रेडियोएक्टिविटी क्या है, ठीक है? अब सुनो, जैसे ही हेनरी बेकरल ये रिलीज किए न्यूज कि भाई एक एलिमेंट मिला हमको जिससे क्या हो रहा था, रेडिएशन इमिट हो रहा था, तो डेफिनेट है साइंटिस्ट लोग तो ढूंढते रहता है क्या कुछ नया हो रहा है। तो जैसे ही दूसरे साइंटिस्ट लोग को पता चला कि भाई हेनरी को ऐसा मिला जिससे रेडिएशन निकल रहा था, तो बहुत लोग उसके पीछे पगला गया। वो सोच रहा था जो निकल रही थी वो कैसे निकल रही थी, क्या निकल रही थी, हमको भी देखना, हमको भी जानना है। तो बहुत सारा साइंटिस्ट लग गया। तो उसी में थी एक जिसका नाम था मैडम क्यूरी। क्या नाम था? मैडम क्यूरी। और उसका हस्बैंड पियरे क्यूरी, ठीक है? हुआ क्या, मैडम क्यूरी आई इसके पास और इसको बोली कि वो जो आई थी आपकी जिंदगी में, जो आपका जिंदगी बर्बाद कर दी, वो कहाँ रखे? तो वो बता दिए कि जहां से लाए थे वहां पहुंचा दिए। बोला ठीक है एड्रेस दे दीजिए। फिर वो गई और वो फिर उसको लेकर के अपने साथ चल गई, है ना? उसको तो पता ही था जिंदगी, वो देखना चाह रहे जिंदगी बर्बाद करने वाली एक है कौन, ठीक है? तो हुआ क्या, उसके पीछे बोला क्या एक्सपेरिमेंट करने, पता करने क्या है, फिर क्या कारण है, क्यों रेडियोएक्टिविटी होता वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। खैर वो बहुत सारा चीज बताई, ठीक है? लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये जो लिविंग बींग्स के लिए भी बहुत खतरनाक है, ठीक है? तो हुआ क्या, बिलीव नहीं करोगे, उसका हस्बैंड का और उसका दोनों का मौत, ठीक है? इतना रेडिएशन खतरनाक था कि उनका शरीर में बिल्कुल एकदम बिल्कुल घाव जैसा हो गया पूरा, ठीक है? बारीक बारीक छेद टाइप का ऐसा हो गया था कि बाल अगर ऐसे खींचते थे पूरे चमड़ा उमड़ा साथ उखड़ जाता था। इमेजिन करो सड़ जाना किसको कहते हैं, वैसा, ठीक है?
इतना हालत खराब हो गया था और बेचारा पी रहे पी रहे कुछ गलती भी नहीं था, वो तो चाह भी नहीं रहा था कि जो है ना, वो सोचो अपनी वाइफ के चक्कर में वो भी मरा गया, इसीलिए वाइफ का बात सिर्फ नहीं मानना, समझा? अच्छा बेटो बेटो नहीं बोले, हाँ तो सुनो वाइफ का बात नहीं मानना, क्यों? मान लिया तो गया, ठीक है, इसीलिए ज्यादा नहीं मानना, कुछ कुछ मानना, लिपस्टिक बोले बुला देना तो, लेकिन दूसरा चीज नहीं, नहीं तो भाई मरा जाए। एक तो फिल्म देखे थे नाम सबन, छोड़ दो बाहुबली देखे, बेचारा क्या गलती थी बाहुबली, इतना बढ़िया सब कुछ था, सोचो जरा शिवगामी उसको इतना मानती भी थी, लेकिन वही देवसेना आई, वो अपना गुरूर दिखाई, बेचारा ही मरा गया, नहीं मरा गया, सोचो नहीं तो क्यों मारता, कोई टेंशन ही नहीं था, तो इसीलिए वो ज्यादा वाइफ का नहीं बात मानना, नहीं तो चल जाएगा। तो हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बता के चल गई वो, कि ये जो है इससे रेडिएशन निकलता है, ये हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर वगैरह बीमारी हो सकता है, और वो ये भी बताए कि ये जो रेडिएशन है इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, लेड, लेड और कैडमियम, ये दोनों में ऐसा प्रॉपर्टी है जो रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यानी अगर आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ऐसे नहीं चल जाना सीधे उठे और गमछी लपेटे और चल गए एक्सपेरिमेंट करना, ऐसा नहीं, अगर आप गमछी पहन के भी जा रहे हैं पूरा गमछी पूरा ढका होना चाहिए, पूरा कवर, और वो जो आपको पहनना होगा कपड़ा वगैरह पूरा कवर पूरा हेलमेट वगैरह के साथ, और सब में कम से कम क्या कैडमियम या फिर लेड का कोटिंग होना चाहिए, ताकि क्या हो जो भी रेडिएशन निकले वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा, और आपको पता होना चाहिए झारखंड में भी निकलता है, ठीक है, जादू घोड़ा जो भी है, ठीक, तो वहां से जो निकलता है तो वहां जितना भी मजदूर सब काम करता है, ठीक है, उसका जो जो नौकरी जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहता, एक साल दो साल तीन साल काफी, ठीक है, नहीं मर नहीं जाता है, उसको उतना प्रोटेक्शन के साथ भेजा जाता है उसके अंदर खदान के अंदर, लेकिन उसके बाद उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा दिन रहेगा कभी भी जरा सा भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसर वगैरह होगा मर जाएगा जल्दी, और वैसे भी सब बचता भी नहीं, तीन साल के बाद कुछ ना कुछ बीमारी होना शुरू हो ही जाता है, इतना खतरनाक है, लेकिन महंगा बहुत होता है, ठीक है, बिलीव नहीं होगा, इतना छोटा अगर टुकड़ा रहेगा तो पूरा देवघर कम से कम तीन साल तक बिजली दे सकता है, सोचिए इतना पावर, मतलब सोचना ही नहीं, ठीक है, किसमें उसमें फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन होता है, फ्यूजन तो आपका सन में होता है, ठीक है, हाँ तो जो भी है इसमें जो होता है फ्यूजन होता है, टूटता है एक से दो फिर दो से चार फिर इस तरह टूट जाता है, और इतना एनर्जी निकलता है कि कंट्रोल करना पड़ता है, कैडमियम का रॉड होता है कंट्रोल करता है, और नहीं करेंगे कंट्रोल तो वो चलते रहेगा, चैन रिएक्शन होता है, चलते जाएगा एनर्जी रिलीज होते 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 ऐसा होगा सब कुछ ब्लास्ट कर देगा, इसीलिए स्पेशली वहां कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर के रूप में किसका यूज करते हैं, कैडमियम रॉड का, किसका, और हेवी वाटर का, जो उससे न्यूट्रॉन निकलता है बहुत तेजी से निकलता है, तो हेवी वाटर जो होता है D2O, ठीक है, न्यूट्रॉन से बनता है D2O, उसको रखा जाता है कि न्यूट्रॉन जाके उसमें क्या हो जाए स्लो हो जाए, समझ में आया, तो बहुत उसका बहुत टेंशन मतलब बहुत मुश्किल होता है उसको रोकना, न्यूट्रॉन निकलता है उसको देख सकते हैं, देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ एक्सरे मशीन से बहुत सारा ऐसा डिवाइस आ गया उससे देख सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा शहर है, देख रहे थे चीन वगैरह में बहुत जगह ऐसा था जो कि शहर बसाना है, ठीक है, पहले बसाया पूरा एकदम बिल्कुल इंजीनियर सब स्पेशली लगा कि ऐसा स्मार्ट सिटी जिसको नहीं करता वैसा, कि बिजली यहाँ कभी नहीं जाएगा हमेशा रहेगा, तो इसके लिए सब कुछ देना, तो वहाँ सोर्स से जो पावर स्टेशन बन रहा था वो इसी से बन रहा था, ठीक है, तो गलती से जरा सा गलती से रात, हाँ यही वहाँ जो सोर्स था ना लाइट, जैसे इमेजिन कीजिए अभी जो हम लोग यूज करते हैं कोयला वगैरह से बिजली उत्पादन करते हैं, तो इससे क्या होगा खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद, हमेशा नहीं दे पाएगा, लेकिन ये ऐसा सोर्स है कि चलते रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसको यूज कर किया गया वहां पर कि स्मार्ट सिटी है, सब अमीर अमीर सब आदमी रहेगा, बड़ा बड़ा आदमी सब यहाँ घर वगैरह कर देगा, तो उस हिसाब से सजाया गया उस शहर को, बिल्कुल चौड़ा चौड़ा रोड, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, बार स्पा स्विमिंग पूल हर चीज बिल्कुल अच्छे से बनाया गया, ठीक है, शहर को, शहर बस गया दो तीन साल, उसके दो तीन साल के बाद जो अभी वीरान हुआ ना अभी तक वीरान, ठीक है,
कारण क्या है, वहां जो ये पावर स्टेशन था तो वहां जो कंट्रोल करने के लिए जो रॉड डालते रहना पड़ता है, कैडमियम रॉड वहां पर होता है, उसमें डालते रहना, वो जिससे कंट्रोल नहीं करेगा तो दिक्कत। तो जैसे मान लो रात का समय था तो सो गया था, जो कंट्रोल करने वाला जो वर्कर था तो सो गया था, तो बस सो गया नहीं। हाँ, एक आदमी गया बाद में गया, टाइम पर नहीं जा पाया था। जनरली जितना आदमी चाहिए था सब नहीं जा पाया, कंट्रोल वो टाइम के बाद गया। इमेजिन करो कैडमियम रॉड का कंट्रोल करने का है कि वो 200 मेगावाट के एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब और उससे ज्यादा हो। सर, जो कैडमियम रॉड है वो बाद में वो गल जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कैपेसिटी होता है, उसके फिर दूसरा चलता है, ठीक है। तो वो नहीं कर सका तो फिर निकलना शुरू हुआ रेडिएशन, आधा घंटा एक घंटा के अंदर पूरा शहर खाली करवाया गया। उसके बाद तो फिर वो शहर ऐसा है कि कम से कम रखो 1-2 हजार साल तक और नहीं जा पाएगा वहाँ पे। कौन सा शहर? जाके नहीं वहाँ जाओगे तो रेडिएशन आ गई। लिमिट होता है ये, वो वहां तक गया उसके बाद थोड़े जा पाएगा, ऐसा थोड़े वो चल रहा है ऐसा थोड़े, ठीक है। उसके सील कर दिया गया, पूरा पैक कर दिया, वहां कोई नहीं जा सकता। वहां एक्सपेरिमेंट करने जो जाता है अभी भी देखने के लिए, चेक करने के लिए रेडिएशन क्या है, कितना उसका इंटेंसिटी है, तो वो सब अपना पूरा सेफ्टी वगैरह के साथ जाता है, ठीक है। और वो अभी भी मेरे ख्याल से 2000 साल क्या है, जनरल रेडिएशन किसी एलिमेंट से निकलता था लगभग रखो 21,000 साल 22,000 साल तक निकलता रहा, खत्म नहीं होता उतना बड़ा। यही तो है चैन रिएक्शन, चलते रहेगा, दिखेगा भी नहीं लेकिन वो आ रहा है, समझे। आपको मालूम होना चाहिए हिरोशिमा जो एटम बम गिरा था ना, वहाँ अभी की प्रभाव तो बड़ा खराब चीज है, लेकिन है अच्छा चीज। इसको अगर लिमिट में यूज करोगे, अच्छे से यूज करोगे, तो फिर गजब चीज है। आजकल तो आपका मोबाइल में कुछ दिन के बाद ऐसा बैटरी आएगा, ठीक है, कि एक बार चार्ज करके कंपनी दे दी, उसके जिंदगी में कभी चार्ज ही नहीं करना होगा। अरे सिंपल से यही है, वही बता रहे हैं। ये जो रेडिएशन है ना, ये जो सोर्स है, जब मान लो बहुत कमजोर हो जाता है, उसका यूज कर लिया, उसमें उतना पावर नहीं रहा, उसी को सील करके, ठीक, लेकिन उसके लिए कोटिंग बहुत तगड़ा चाहिए, तो उसके लिए चाहिए डायमंड कोटिंग, तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, बस वही रहेगा उसी एनर्जी से हम लोग का मोबाइल। हाँ देखिए, कुछ ना कुछ दिन के बाद वो सस्ता होगा ही, टेक्नोलॉजी शुरू महंगा होता है। उससे पहले देखिए ग्राफीन बैटरी आएगा, अभी लिथियम पॉलीमर वगैरह है ना, उससे पहले ग्राफीन आएगा। ग्राफीन में क्या है, आपका जनरली 3-4 महीने में फुल चार्ज हो जाएगा, और चार्ज भी चढ़ाएगा 3-4 दिन, समझ में आया। पबजी खेलने में कोई टेंशन नहीं। तो खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर के हम लोग फिर आ जाते हैं लाइन पर, ठीक है। तो क्यूरी जो है वो तो नहीं रही, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? वो सक्सेसफुल हो गया ये पता करने में कि इससे रेडिएशन किस तरह का निकलता है, ठीक है, कैसा निकलता है रेडिएशन, ये उन्होंने बताया। किसने? रदरफोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालो रदरफोर्ड्स। सर, जो एक लेडीज थी उसका नाम जितना जल्दी बोल दिए इतना जल्दी थोड़ा कुछ होता है। चैप्टर अगर पढ़ाने शुरू करेंगे तो कम से कम 2 साल तक चलते रहेगा। हम लोग को सिलेबस पर देखो, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसका बुक हम देखे थे लैब में था, सॉरी लेबोरेटरी लाइब्रेरी था, ठीक है, वहां पर जब पढ़ रहे थे। इतना मोटा सिर था रेडियो एक्टिव, ठीक है, इतना मोटा, और कितना पार्ट था उसका, इसीलिए खत्म था, बहुत बड़ा चीज है। हाँ, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव। तो सुनिए, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक लेड बॉक्स ले लिया। कौन बॉक्स? क्यों दिया मालूम ही है? ताकि वो अगल बगल खड़ा रहे, कोई टेंशन ना। और क्या किया यहाँ पर, वही सोर्स ले लिया, रेडिएटिव एलिमेंट, ठीक है, और इधर
दोनों तरफ प्लेट लगा दिया, एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक तरफ। तो क्या देखा, इससे जो रेडिएशन निकल रहा था, कुछ रेडिएशन तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जा रहा, उससे जाके सड़ जा रहा, कुछ रेडिएशन जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर जाके अट्रैक्ट हो रहा था, और कुछ रेडिएशन ऐसा था जो स्ट्रेट एकदम सीधा निकल जा रहा था, वो किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ जो रेडिएशन है वो एक तरह का नहीं, कम से कम तीन तरह का हो। क्यों? जो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा जरूर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तब ना नेगेटिव से अट्रैक्ट हुआ। जो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ उस पर कौन होगा? नेगेटिव। और जो सीधा निकल गया उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि यहाँ जो रेडिएशन निकलता है वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? जनरली सबको सोचता था रेडिएशन एक ही तरह का कुछ निकलता, लेकिन इन्होंने बताया जो रेडिएशन निकलता है कितने टाइप का होता है, और उसको नाम दे दिया। एक को दे दिया अल्फा, ठीक है, एक को दे दिया बीटा, और एक को दे दिया गामा। और अल्फा जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया, बीटा नेगेटिवली चार्ज को, और जो गामा न्यूट्रल था वो किसको? गामा। क्लियर है? तीसरा नाम दिया और देखा कि जो अल्फा पार्टिकल था उसमें दो प्रोटॉन के इक्वल चार्ज था। किसके इक्वल? इसीलिए हम यहाँ दो पॉजिटिव लगाए। क्लियर है? जो बीटा था उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, किसके बराबर? इसीलिए नेगेटिव। और गामा न्यूट्रल था इसलिए। आ रहा समझ में? जो फटाफट इस डायग्राम को बनाइए। बन गया होगा, ऐसा नहीं लग रहा फुलझड़ी बना। लिखिए इसमें था क्या जो लेट लगे? लिखो रदरफोर्ड, लिखो लिखो रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट, रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट, रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट there are three types of radiation emitted from the radioactive element। हो गया? which are known as alpha particle, alpha particle, beta particle and gamma radiation, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। क्लियर है? सुनो, जो अल्फा पार्टिकल था वो कौन पार्टिकल? वो कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। जो बीटा पार्टिकल था नेगेटिवली चार्ज, वो क्या था? नेगेटिवली चार्ज। और थर्ड जो गामा रेडिएशन वो क्या था? न्यूट्रल। क्या था? फटाफट लिख लीजिए इसको।
अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज था और गामा रेडिएशन जो था वो न्यूट्रल था। हो गया, अब सुनो ध्यान से। आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर इस दोनों को पार्टिकल पार्टिकल बोले, इसको रेडिएशन बोले, ऐसा क्यों? सुनो, क्योंकि जो अल्फा है ये एक पार्टिकल ही है। सोचो हीलियम, जानते हो हीलियम? उसका न्यूक्लियस जो है, तो जब देखा गया अल्फा पार्टिकल को तो हीलियम न्यूक्लियस के जैसा ही था, ठीक, एक पार्टिकल जैसा था, हीलियम न्यूक्लियस। यानी इसमें दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन था, कितना? दो प्रोटोन दो न्यूट्रॉन। जब बीटा पार्टिकल को देखा गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही था जो बहुत स्पीड से चल रहा, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? क्लियर है? इसीलिए दोनों पार्टिकल था। लेकिन गामा था, ये कोई पार्टिकल वगैरह नहीं था, ये सिर्फ एनर्जी था। ये क्या था? तो इसीलिए इसको बोले रेडिएशन, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी है। ये क्या है? और याद रखिएगा, इस तीनों में सबसे अधिक एनर्जी किसका होता है? गामा। उससे कम? सबसे कम? क्लियर है? जो जितना अधिक स्पीड से मूव करेगा उसकी एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। ये सबसे फास्ट मूविंग होगा, ये थोड़ा इससे हल्का है क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये सोचो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो भारी हो गया, तो ये थोड़ा और तेजी से, इससे स्लो रहेगा, इससे ये स्लो रहेगा, लेकिन इससे ये स्पीड रहेगा, इसीलिए इसका सबसे स्लो ये होता है, इसका एनर्जी भी कम। क्लियर है? खैर, हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ने बोला ही नहीं है, ठीक है? ये जो ये भी पढ़ा दिया बहुत पढ़ा दिया, हम लोग को सिर्फ बोला रेडियो एक्टिविटी, और साफ साफ बोला क्लियरली सिलेबस में बोला है कि अल्फा बीटा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज हमको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? देख लीजिए डिलीटेड टॉपिक में वो लिखा है, समझाया? इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। याद है? हाँ, किसका? बिहार बोर्ड। हाँ सर, पढ़ा देंगे, तुम लोग को नाम बुलाएंगे और शुरू हो जाए। मिटा दें? नॉट डालो, नॉट। क्या दिन बच्चा उसने? चलो याद दिला रहा, उनका कैलेंडर का काम बच गया। नॉट पहली बार, नॉट पहली बार। सुनो, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल दोनों चार्ज था, लेकिन गामा क्या था? तो इसीलिए बोलो कि अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, इसीलिए वो क्या हुआ? डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? देख रहे हो, जैसे चल रहा वैसे चल रहा, ये डिफ्लेक्ट हुआ। तो याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल गामा पार्टिकल दोनों चार्ज होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन गामा जो है न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? चार्ज ही नहीं, क्यों टेंशन? उसको डर ही किस चीज का? क्यों उस पर कोई फोर्स लगाएगा? समझ में आ रहा? तो लिखो पहली बात, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल सोज डिफ्लेक्शन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सोज डिफ्लेक्शन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हो गया बाबू? चलो दो नंबर लिखो, दो नंबर लिखिए, गामा रेडिएशन इज न्यूट्रल सो it does not show any deflection inside electric field and magnetic field। समझ चुके हम? क्लियर है ना? तो ये था आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट।
चलो हेडिंग है लो लॉ रेडियो एक्टिव डीके और रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ। सुनिए एग्जाम में अगर बोले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या फिर आपको बोले दरअसल क्या बोले रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, दोनों सेम क्लियर है। याद रखिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या फिर रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, दोनों में से कोई भी एक नाम बोलेगा तो सोच लेना यही है, समझ में आ रहा। और एक तो थोड़ा खुशी होगा आपको, रदरफोर्ड के साथ जो ये सोडी है ठीक है, ये थोड़ा से इंडियन तो पूरा पूरी नहीं थे, इनके पापा इंडियन थे लेकिन मम्मी विदेशी थी, समझ में आया, जिसको भारतीय मूल ही कह सकते हो। खुशी खुशी क्यों नहीं होगी, कल्पना चावला भी हम लोग की नहीं थी यहाँ की, लेकिन उसके डैडी यहीं के थे तो नहीं हम लोग बोलते थे कल्पना चावला सबसे पहले भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गए, हम लोग बोलते हैं ना, बोलते तो उसी को ना, भले वो तादाद यहीं का बाबू। अब इमेजिन करो तुम ही चल जाएगा विदेश में, अब तुम शादी कर लिए वहां विदेशी से, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में ना देखा था मैं छोड़, इमेजिन करो अब किसी को प्रपोज किए मान गए कूद कूद के शादी कर ली तुमसे ठीक है, अब बताओ तुम्हारा बच्चा होगा क्या वहीं करा गया, इधर का कुछ हो नहीं तो भारत करा शिखर धवन का बेटा, सही बात, देखो कितना अच्छा चीज बोला, शिखर धवन का बेटा इंडियन नहीं कर लगा भाई, ऑस्ट्रेलियन क्या हुआ क्या क्या इवी वेस्ट इंडीज पसंद करके रखा। हम बोले ऐसा क्यों किया, बोला सर हमारा हाइट थोड़ा कम है तो लंबी दिखी, हमको लगा कि जनरेशन सुधर जाएगा। अरे चंदन चलो इधर देखो, लेकिन भले किसी को कहीं करना नहीं चाहिए लेकिन चंदन को कम से कम वैसे इंग्लिश से कर रहे हैं, देखो क्यों, वो लोग भी बेचारी लोग तड़प रही होगी ठीक है, कि हम लोग का भी बच्चा थोड़ा गोरा गोरा हो, इमेजिन करो चंदन कर लिए गोरा है ठीक, सोचो जरा सर वो लोग भी खुश होगी, थोड़ा सा ही सफेद हो रहा था। अरे कलर इस पे भी जा सकता है, कलर इस पे जा सकता है ठीक है, बालू उसका आ जाएगा मम्मी का। मिक्स हो गया था, मिक्स हो गया आधा काला आधा गोरा, ऐसे कैसे होता है, नहीं अच्छा रहेगा क्या, इसीलिए कम से कम सच में अगर हम गोरे रहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सोचते भाई किसी पर दया करना किसी को उपकार करना ये सब क्या खराब बात है, नहीं नहीं चलो इधर देखो, अब इमेजिन करो, चलो ठीक है अब इमेजिन करो, छोड़ो छोड़ो इस लॉ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, मान लो चेन्नई ने वेस्ट इंडीज को पसंद कर, मान लो जरा शादी भी है मनोज उसका शादी से यही करेंगे भगवान, उनको भी इतना पसंद आ गया देख रहा सर, दोनों फैमिली मेंबर हो गए, चलो यहाँ देखो सुनो, अरे सुनो सुनवाई नहीं कर रहा हूँ, हाँ तो उसका शादी फिक्स हो गया, हम लोग गए बाराती है ना, हम लोग सब गए बाराती, लगभग 100 बाराती गए हम लोग ठीक है, सिर्फ हम ही लोग नहीं और इसका फैमिली वाला भी जाएगा, बहुत कोई जाएगा, तो 100 बाराती गए, हम लोग को दिया एक तो स्कूल में रहने के लिए, इधर रहता है स्कूल में तो दूर तो वही रखता होगा ठीक, स्कूल में दिया रहने के लिए, अब स्कूल में ठीक है, तो हुआ क्या जैसे ही उतरे बारात पहुंचा हम लोग उतरे तो टोटल बाराती का संख्या मान लो 100,
बराती का संख्या कितना? अब क्या हुआ, ठीक है, हम लोग जवान लोग पड़ाकोड़ा का फटा है, ठीक है, कुछ बुढ़ा लोग जाकर के बैठा, ठीक, इस तरह करके फिर लास्ट में जाकर के शॉर्ट हो, जब जमा हुए हम लोग स्कूल में, सबको नाश्ता वास्ता मिला, समझे, नाश्ता वगैरह मिला, खाया, तो बच्चा लोग जो सब छोटा छोटा था, ठीक, वो सब सबको खाया पिया, खूब कूदा, तो सोचो जरा था उस स्कूल में टोटल कितना बारातिक संख्या? 100। टोटल बारातिक संख्या कितना? 100। और सब कोई डेफिनेटली बारात औरत गए और जानते हो गए, सब कोई पूरा एकदम गप गुप करता अपना, सब कोई शांत नहीं रहता, किसी ने नहीं देखा बारात में जाकर कोई चुपचाप है ना, कुछ ना कुछ गप करेगा, नहीं करेगा, गुंगा आदमी बोलने लगता उसी में। तो मान लो पहले जो है नंबर ऑफ बाराती कितना था? 100 का 100 बोल रहा था, ठीक है, 100 का 100 बोल रहा था, तो उस समय जो है उस स्कूल से आने वाला जो आवाज था वो 100 आदमी का था कि नहीं। अब थोड़ा देर के बाद क्या हुआ, 20 बच्चा जो गया था वो सब सो गया। अब बताओ कितना का आवाज है? लेकिन बाराती अभी भी कितना है? लेकिन आवाज फिर भी कितना का? तो बोलो जितना बारात है उस पर आवाज निर्भर कर रहा है, जितना उसमें जागा हुआ उसी पर निर्भर कर रहा है। कुछ देर के बाद मान लो 30 बुढ़ा लोग भी सो गए, ठीक है, अब बताओ क्या तो जगह, तो बोला आवाज सिर्फ कितना का? क्या 100 का आएगा? भले 100 है लेकिन किससे आवाज आ रहा है? जो जागा हुआ है, जो एक्टिव है, बोल सकते हैं। तो जस्ट यही लॉ है रेडियो एक्टिविटी का। तो बोलिएगा सर लॉ ऑफ बाराती नहीं। समझो क्या, इमेजिन करो हम कोई सैंपल लिए, कोई रेडियो एक्टिव का एलिमेंट का क्या किया सैंपल, अब सैंपल लेंगे तो उसमें 1 न्यूक्लियस होगा था, सब कुछ है ना, तो मान लो सैंपल लिए तो उसमें 100 न्यूक्लियस, जनरली 100 नहीं बहुत होता है, अरबों खरबों होता है, लेकिन फिर भी मान निकलिए, मान लो कितना सैंपल, उस सैंपल में कितना न्यूक्लियस है? 100 न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलता है उसको कहते हैं डीके, क्या कहते हैं? डीके। याद रखना किसी भी न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलता है तो रेडिएशन निकलने के बाद तो उसका एनर्जी कम हो जाता होगा, सोचिए इमेजिन कीजिए कोई न्यूक्लियस से गामा निकला, अल्फा निकला, बीटा निकला, कुछ एनर्जी ही सोचे निकल रहा है, उसका एनर्जी धीरे धीरे घटता जाता है, कम ना, ठीक है, कोई भी चीज धीरे धीरे कम होने लगता है उसको कहते हैं डीके हो रहा है। हाँ तो टूथ एक डीके जो है, डीके मतलब क्या, ये डीके जिसको हम लोग कहते हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाना, गड्ढा हो जाता है, ऐसा थोड़ी दांतें खत्म हो जाए, ठीक है, वैसा वाला, तो वही वाला चीज डीके मतलब कोई भी चीज जब किसी से कमी होता है उसको कहते हैं डीके, तो किसी भी एलिमेंट से जो रेडिएशन निकलता है तो उसके कारण जो एनर्जी कम होता है उसको कहते हैं डीके हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मान लो एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक न्यूक्लियस है, 100 न्यूक्लियस है, और मान लो उसमें जो एक न्यूक्लियस है वो 1 सेकंड में 1 डीके कर रहा है, तो बोलो अभी इस सैंपल से कितना डीके पर सेकेंड, 100 डीके पर सेकेंड हो रहा होगा कि 100 डीके पर सेकेंड। अब जो है हुआ क्या, जब हम लिए सैंपल उसमें 100 का 100 एक्टिव था तो हो रहा था 100 डीके पर सेकेंड, तो डेफिनेटली कुछ देर के बाद कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसको डीके करना था, जितना कर लिया अब वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है, अब वो डीके नहीं कर पा रहा, वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो मान लो 30 जो है इसमें अब ऐसा नहीं रहा कि वो डीके कर पाएगा, तो बोलो अब डीके कितना होगा? 70 डीके पर सेकेंड, बोलो होगा कि नहीं, भले न्यूक्लियस तो अभी भी 100 ही अभी भी, लेकिन बोलो डीके कितना हो रहा है? तो बोलो ये जो डीके का जो रेट है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस पे, तो हम बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ज्यादा रहेगा डीके होने का रेट भी ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होगा तो रेट ऑफ डीके भी, तो यही लॉ है, इस लॉ का कहना है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके का, कि डीके होने का रेट किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का डीके होने का रेट यानी dN / dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, n यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस के, यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ डीके भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, समझ में आया, क्लियर है? ठीक, तो लिख लो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ
द रेट ऑफ डी के, द रेट ऑफ डी के ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सैंपल, ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सैंपल, ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सैंपल, ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। समझे कि बुझे? क्लियर है तो बोलो। इल ऑफ क्या? फिगर है। चलिए चलिए इधर देखिए, इधर सबको इधर देखिए। दैट इज क्या बोला था? रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या नंबर ऑफ एक्टिव निकले। अच्छा बताओ डीएन बाई डी टी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर हम इक्वल का साइन लगाएं, कांस्टेंट आएगी। यहाँ कांस्टेंट आती है लैम्डा। क्या आती है? इस लैम्डा को कहते हैं डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं? और इसके आगे नेगेटिव लगता है। बोलिए क्यों? ये कांस्टेंट आया, रहन है, हटेगा कहां से? ये नेगेटिव जानते हो क्यों आया? होता है कि कोई भी सैंपल लेते हैं तो उसका कभी डीके होने का रेट बढ़ नहीं सकता, वो घटता ही जाएगा टाइम के साथ। 130 फिर 70 हुआ, फिर 60 होगा, फिर 50 होगा, कम ही होता है। तो वही बोल रहा, नेगेटिव बोल रहा, टाइम के साथ ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो बोलो इस डी टी को उधर ले जाओ और एन को इधर ले आओ, तो बोलो क्या हो जाएगा? डी एन बाय बोलो माइनस लैम्डा इन डी टी। अब क्या करेंगे हम इसको? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो इंटीग्रेशन किए, डी एन बाय इक्वल टू बोलो माइनस लैम्डा कांस्टेंट। अब समझना, अब समझने वाला, जब टाइम मान लो जीरो था, टाइम कितना था? जीरो। जीरो मतलब क्या? इनिशियल स्टेट, जब बिता भी नहीं था कुछ। तो बोलो उस सैंपल में जितना भी न्यूक्लियस होगा सबका सब एक्टिव होगा। तो बोलो जब टाइम जीरो, मान लो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एन नॉट। क्या मान लिए? यानी इनिशियली नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। जब टाइम हो गया टी, तो मान लो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस कितना बचा? बोलो डी एन बाय एन का इंटीग्रेशन होता है लॉग एन। इतना जरूर पड़ेगा, सबको पता हो। लिमिट है कितना से? बोलो माइनस लैम्डा कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करने आता है लॉग ई एन, एन के जगह एक बड़ा है माइनस एन के जगह, सही है, इक्वल टू माइनस लैम्डा टी के जगह टी माइनस जीरो, सही है। तो बोलो बाबू इधर देखो, लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट, क्या इसको लिख सकते हैं? लॉग एन बाय एन नॉट, याद होगा? लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बाय एन, वही बोलो इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लैम्डा टी में जीरो घटेगा, टी ही बचेगा, हो गया। अब एक काम करो, लॉग ई को उधर ले जाओ, तो एन बाय एन नॉट इतना जरूर पता होगा, लॉग ई इधर जाएगा तो ई में कन्वर्ट होगा और ये वाला पावर में चल जाता है, ई पर पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो बोलो एन इक्वल टू क्या होगा, हमको इसको उधर ले जाए, बोलो एन नॉट ई पर पावर माइनस लैम्डा। बोलो कोई टेंशन? तो ये हो गया आपका क्या फॉर्मूला, क्या क्या चीज है उसको भी लिखना जरूरी है। वेयर एन क्या है? एक्टिव न्यूक्लियर नंबर ऑफ एक्टिव, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर। एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ रियल एक्टिव न्यूक्लियर।
इनिशियल इनिशियली नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर, लैम्डा क्या है, वेव कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, और डी क्या है, टाइम। बोलो कोई तकलीफ? तो ये जो है आप नोट कीजिए, समझ में आ रहा है?